आजादी के अमृत महोत्सव के दृष्टिगत इको पार्क में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, कानपुर देहात के इको गार्डन ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज लाल चंद्र गुप्ता ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में विशेष प्रस्तुति लोक गायक वंदना मिश्रा ने देशभक्ति गीत गाकर दी। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ की शाम को वंदना मिश्रा ने गीत गाकर आजादी की उस पहली रात का शमा बना दिया। ऑडिटोरियम में मौजूद हर शख्स देशभक्ति के गीतों पर झूम उठा। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण एवं KYC नो योर कंट्री प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक विभाग लखनऊ से आई टीम द्वारा आजादी की झलक दिखाते हुए नाटिका प्रस्तुति आयोजित की गई। कार्यक्रम में DM नेहा जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दृष्टिगत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करें। आजादी को लेकर और आज जो आपका कार्यक्रम लगा हुआ, सबसे पहले तो 75वीं आजादी की आप सभी को, सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम आज़ाद हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि 15 अगस्त को बहुत सारे जवानों ने इतने शहादत दी इस दिन के लिए, और आज ये शुभ घड़ी हमें देखने को मिली। और हम तो कह रहे हैं कि हम हर वर्ष हमें सरकार को और पूरे देशवासियों को हर साल आज़ादी का दिवस इतना ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए जितना हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम इसके बाद 100 साल जब हो जाए तो हम इसके लिए सिल्वर जुबली मनाएं, या यूँ कह लीजिए गोल्डन जुबली मनाएं। ये सिल्वर जुबली चल रही है और गोल्डन जुबली मनाएं, इसके बाद 125 साल पे और हम डायमंड जुबली मनाएं, ऐसे ही मनाते रहेंगे तो नो डाउट हमारा देश जो है एक तरक्की के रास्ते पे है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई, इसमें से कोई ऐसा कलाकार छोटा नहीं जिनको प्रोग्राम ना मिला हो। मतलब 11 से 15 तक आप किसी कलाकार से बात कर लीजिए, वो खाली नहीं है। तो सबसे अच्छी बात कि एक हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, साथ ही बहुत सारे लोगों को इसमें काम। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में सर, किस तरह से मनाया गया, और क्या कुछ सर अपील करेंगे कि जो यहाँ पे कलाकार काम कर रहे हैं उनको आगे भी सर इस तरह से मौका मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में जो अमृत महोत्सव हमारा चल रहा था लगातार, उस पर हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं, और 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक के लिए जो कार्यक्रम जारी हुए थे, कुछ कार्यक्रम के तहत हम लोग 11 तारीख से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में एक नई चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर किया है, KYC नो योर कंट्री एक क्विज चलाया हम लोगों ने, और उसमें हम लोगों ने टीम बनाई, और टीमों के माध्यम से हमने लोगों को अपने राष्ट्र के बारे में, अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, अपने जनपद के बारे में और अपने देश के बारे में क्वेश्चन दे करके उनकी जानकारी देने की कोशिश किया है, ताकि बच्चे जो है इस बात को भी समझें, उस बात को जानें, और लोग इस बात को समझें कि राष्ट्र की महत्ता क्या है।